मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज हमारे साथ राजीव रंजन सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कपूर्ण, ज्ञानपूर्ण और सबसे अधिक नया जोश, नया उमंग के साथ सेकंड इनिंग्स खेल रहे हैं। लेकिन इस बार की चर्चा जो होगी नेशनल बजट 2024 और 2025 जो संसद भवन में पारित किया गया है, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहले राजीव रंजन सिंह जी, जो बजट हुआ है नेशनल बजट, उसमें आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? एक्चुअली नेशनल बजट इस बार का गरीबों को, हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मिडिल क्लास के हित को रखा गया है। इनकम टैक्स का जो न्यू पॉलिसी लाई गई है, उसके तहत जो टैक्स का परसेंटेज है उसको कम किया गया है। दूसरा चीज़ है कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छी घोषणा इसमें की है कि 1 करोड़ युवाओं को इस बार अप्रेंटिस, मतलब उसको कह सकते हैं इंटर्नशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप किसी अच्छे कंपनी में अगर उन ट्रेंड होंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बेरोजगारी, जो कि एक बड़ी समस्या है भारत देश में, वो कम होगा। किसानों के लिए किया गया है कि कैसे हम लोग जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदला जाए, एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत देश के लिए। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के साथ किया है। साथ ही साथ जो डिफेंस के मटेरियल्स हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे कंट्री में बढ़ाया जाए, इस पर किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ऑल मिला करके आप कह सकते हैं कि एक विजनरी बजट है और एक विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है। क्योंकि आप इतना बड़ा कंट्री में एकाएक सारे कुछ को नहीं दूर कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप चलना होगा। जो जो 10 सालों में हम लोगों ने अचीव किया है, अब वो फिनिशिंग का टाइम आया है। जो प्रधानमंत्री का यही फोकस है कि कैसे बेसिकली हम बेरोजगारी को दूर करें, कैसे किसानों के हितों को हम लोग रक्षा करें, कैसे देश का इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देखिए, इतने टफ सिचुएशन के बाद भी आज भारत देश का विकास दर लगभग 7% के आसपास बना हुआ है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। जब पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में है और उस समय अगर हम लोग अपना ग्रोथ रेट को मेंटेन किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका कहना है और भारतीय जनता पार्टी के जो अर्थनीति देखते हैं, उनका भी कहना है कि यह बजट बहुत ही अच्छा है, जनता के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात सुने, चाहे अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा है कि इस बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट है, उनको बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। एक्चुअली ये दोनों ही स्टेट, अगर आंध्रा को भी देखें तो नया गठन हुआ है। बिहार में नीतीश जी का बहुत पुराना मांग चला रहा था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए। तो हम समझते हैं कि बिहार तो एक गरीब स्टेट में आता है, हमारा झारखंड भी गरीब स्टेट में है। तो इन दोनों, अगर झारखंड को भी प्रधानमंत्री इसी तरह से अगर कुछ स्पेशल पैकेज दें, तो हमको लगता है कि झारखंड के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन बिहार को अगर मिला है, तो हमें ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। बिहार भी मेरा बड़ा भाई है, अगर बिहार को कुछ मिला है तो हमें खुश होना चाहिए। और जहाँ तक आंध्रा का सवाल है, तो आंध्रा तेलंगाना से अलग होने के बाद जो हैदराबाद सबसे बड़ा पोटेंशियल था आंध्रा का, वो तेलंगाना के पास आ गया है। आप सोचिए, तेलंगाना में आने के बाद हैदराबाद को अपना राजधानी बनाना है। तो हैदराबाद को निश्चित रूप से क्राइसिस है और उसे ऐड मिलना चाहिए, मेरा मानना है। जब सब कुछ अच्छा है, जब इकोनॉमिक भी ग्रोथ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फंड दिया गया है, युवा को स्टार्टअप के लिए फंड दिया गया है, फिर 80 करोड़ गरीब जनता को राशन क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक है उससे अच्छा, लेकिन 80 करोड़ लोग को आज भी राशन दिया जा रहा है, वह तो गरीब श्रेणी में आते हैं। राशन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम है,
इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी गरीब को राशन मिल रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो राशन बंद कर दें, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि ये राशन कोविड के समय शुरू हुआ था। अब इसकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए कि आज भी वो ज़रूरी है कि नहीं है, और हम समझते हैं कि ज़रूर भारत सरकार इसकी समीक्षा करेगी, क्योंकि जब पॉलिसी जिस समय शुरू हुई थी उस समय पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में था और आज की सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। तो हर पॉलिसी की समीक्षा होती है, निश्चित रूप से समीक्षा हो। आयुष्मान कार्ड बहुत अधिक मांग था कि उसमें बुजुर्गों को जोड़ा जाए, यह नहीं जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने तो अनाउंस किया ही है कि आयुष्मान कार्ड में जो 70 साल से ऊपर के दूसरे से, मतलब एक कह सकते हैं कि लाल कार्ड के श्रेणी से ऊपर वाले जो लोग हैं, जिसको हम लोग जनरल कास्ट कह सकते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर वसर करते हैं, उनको भी आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाएगा। तो अब ये बहुत ही खुशी की बात है। आज की बजट की परिचर्चा मैं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था, और मैं सोचा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी पूरे देश को एक अलग राह दिखाएंगे या देश के सामने अपना विजन प्रकट करेंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि एक यंग जनरेशन का नेता पढ़ने की बजाय, उन्हें पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए वर्ल्ड के इकोनॉमी को, भारत देश के इकोनॉमी को, इसके बजाय वो कह रहे हैं कि इस बजट में कास्ट सेंसस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी अगर भारत देश में जातीय जनगणना कर दिया जाए। तो मेरे समझ से परे है कि जातीय जनगणना होने से भारत देश की समस्या कैसे दूर हो जाएगी। यहाँ तो ऑलरेडी जाति में बटे हुए लोग हैं ही, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है। अब इसमें आप यही जानेंगे कि ओबीसी में कौन कौन जाति कितना है, इससे ज़्यादा कुछ नई चीज़ आप नहीं जानेंगे। शेड्यूल कास्ट में कौन कौन जाति कितने हैं, तो इससे समस्या दूर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि क्या उनकी सोच है वो जाने, लेकिन मेरा मानना है कि भारत देश की आज समस्या अमीरी और गरीबी की है, जात का नहीं है। क्योंकि जात तो अब इंटरकास्ट मैरिजेज को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेज हो रहे हैं, तो जातीय जनगणना से भारत देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि कैसे दूर हो जाएगी। मेरा मानना है कि इसके जगह पर हमें ऐसा सेंसेक्स कराना चाहिए कि किस जात में कितने गरीब हैं, किस जात में कितने अमीर हैं। जब तक आपके पास सही आंकड़ा, जनगणना जो होना चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, ना कि जाति दृष्टिकोण से। बिल्कुल, क्योंकि अगर भारत देश के जाति को आप सोचेंगे तो हमारे समझ से दो जाति होनी चाहिए, अमीर और गरीब। आप अमीर को एक कैटेगरीज में रखें और अमीर में वैसे अमीर को उस कैटेगरीज में रखें जिनकी आय कम से कम 20 लाख से ऊपर हो। 15 लाख से तो ऊपर होना ही चाहिए, 15 लाख से नीचे आए तो अभी मिडिल क्लास के लोगों का है। तो आप वैसे आय वाले लोगों को एक जात में रखिए जो 20 लाख से ऊपर कमाते हों, और 20 लाख से कम कमाने वाले और 10 लाख से कम कमाने वाले, ऐसे दो श्रेणी जरूर बनाइए। और ऐसे श्रेणी को बना करके उनके वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है भारत देश में। क्योंकि जो गैप बढ़ रहा है हैव और हैव नॉट्स के बीच में, ये आने वाले दिनों में और बड़ा होने की संभावना है। इस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, न कि जातीय जनगणना पर। पर्यावरण में बहुत अधिक असंतुलित हो चुका है, भारत सरकार ने अच्छा खासा फंड दिया हुआ है, क्या कारण है कि वो फंड राज आने के बाद वो ठीक से यूटिलाइज नहीं होता, पहला। और दूसरा एक जो सवाल है, सबसे बड़ी चीज़ कि रेलवे के ऊपर भारत सरकार फंड भी दे रहा है लेकिन क्या कारण है कि दुर्घटना नहीं रुकता, बजट में दोनों में फंड बढ़ाया गया। देखिए, रेलवे दुर्घटना का जो मेरा मानना है कि अभी भी हमारी पटरियां, हमने ट्रेन तो हाई स्पीड बना दिए हैं लेकिन मेरी पटरियां उसके लायक नहीं हुई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। रेल मंत्री से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर ध्यान दें कि कैसे हम पटरियों को अपग्रेड करें। दूसरा चीज़, पटरियों को कैसे सुरक्षित करें,
क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी सारे ओपन हैं, जब भी हाई स्पीड ट्रेन पास होती है कोई जानवर आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है, तो आपको जहाँ भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उस रेलवे ट्रैक को सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन हो, ट्रेन के साथ साथ ट्रैक का भी अपग्रेडेशन नीडेड है। जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती बन गई है। हम समझते हैं कि सभी राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार पर डिपेंड करने की बजाय सभी राज्य सरकारों को इसके लिए एक समेकित नीति बनानी चाहिए कि कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम पेड़ लगाएं। और मेरा तो मानना है कि मुझे याद है 90 के दशक का, 85 से 90 के बीच में जब मैं दिल्ली में, जब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो दिल्ली में याद है उस समय की एक फरमान जारी होती थी कि इतना से इतना बजे एसी नहीं चलेगा, सभी लोग अपने अपने घरों में एसी बंद। किनका फरमान होता था? राज्य सरकार की, सरकार का, जिला प्रशासन का? हाँ, वहाँ की सरकार की फरमान होती थी कि एसी इतना से इतना टाइम में आप बंद रखें। हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर एरिया को कोल्ड कर रहे हो तो किसी दूसरे पार्टिकुलर एरिया को आप गर्म कर रहे हो, तो एक ज़रूर पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि एसी हम लोग कब चलाएं कब नहीं चलाएं। क्योंकि आज देखिए सारी गाड़ियां एसी है, आप एसी गाड़ी के बगल में खड़ा रहिए आपको लगेगा कि हीट आ रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि अब एसी के बिना हम लोग कोई लाइफ लीड कर सकते हैं, क्योंकि अब सब लोग एसी के लिए हैबिचुएटेड हो गया है, ये आज के डेट में नेसेसिटी हो गई है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 4 घंटा एसी नहीं चलाएं, मॉर्निंग वॉक करते समय लोगों को फ्रेश एयर मिले कि भाई 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नो एसी, या 6 बजे से 9 बजे तक नो एसी। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं। और पेड़ जहाँ तक लगाना है तो आप पेड़ों को लगाने के लिए केवल पेड़ लगाने से नहीं होगा, पेड़ को सुरक्षित रखने का भी उपाय करना होगा। आप उतने पेड़ लगाएं जितना आप सुरक्षित रख सकते हैं, केवल कागज़ पे पेड़ नहीं लगा दें कि 1 लाख मैंने पेड़ लगा दिया, पता चला उसमें 1,000 भी नहीं बचा है। तो कागज़ों पर कार्रवाई करके उससे बेहतर है कि आप 2,000 पेड़ लगाएं और उस पेड़ का 2 साल सुरक्षा दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की सुरक्षा भी दी जाए ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जाए। एक और कंसेप्ट अभी फॉरेन में आया है, हम लोग इंडिया में भी चाहें तो ले सकते हैं, सिटी फॉरेस्ट का। सिटी फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं अपार्टमेंट बन रहा है, जैसे आपके शहर में 2-3 बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, जैसा कि हमें पता है आस्था अपार्टमेंट है, विजया गार्डन है, विजय हेरिटेज तो पुराना हो गया, लेकिन ये 2 नए अपार्टमेंट हैं, तो इसके बीच में 2-3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन में छोटा छोटा पौधा लगाने की बजाय फॉरेस्ट डेवलप किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं सिटी फॉरेस्ट। मतलब वहाँ नेचुरल पेड़, साल का पेड़ लगा दीजिए, गुलमोहर का पेड़ लगा दीजिए, ऐसे पेड़ जो कि ऊँचा जाते हों, लंबे जाते हों, और वो लगे कि एक नेचुरल फॉरेस्ट है, तो वो पानी को खींचेगा अपने तरफ। और ये कंसेप्ट विदेशों में आ चुका है। आप सोचिए दुबई जब हरा भरा हो सकता है, अरब कंट्री में हरा भरा हो सकता है, आज के 20 साल पहले वहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहाँ पेड़ उगेगा, तो फिर आपके इंडिया में तो भगवान के दिया हुआ नेचर, और झारखंड में तो केवल नेचर ही नेचर है। हम लोग इसको थोड़ा सा अगर इस दिशा में कदम बढ़ाएं सिटी फॉरेस्ट का, तो वो बच्चों को भी फॉरेस्ट देखने का आनंद आएगा। तो हम लोग उसके जगह पर अभी सब हाइब्रिड पेड़ लगा रहे हैं जिसकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, तो वो बारिश को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बारिश को अट्रैक्ट करने के लिए पेड़ों की हाइट कम से कम 50 फीट होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि सिटी फॉरेस्ट का कंसेप्ट हम लोग लाएँ। बजट की चर्चा और चर्चा में इन्वायरमेंट, रेलवे, एजुकेशन और रोजगार की भी चर्चा किया गया, लेकिन बहुत ही अच्छा सजेशन, सरकार फंड दे सकती है, सरकार बहस कर सकती है संसद भवन में, अपनी पॉइंट को वह वजन से रख सकती है, लेकिन जनता को इसमें जागरूक होकर काम करना,
राजीव रंजन जी का बहुत ही अच्छा कि आप जो कॉटेज है, जो रेसिडेंशियल फ्लैट एरिया है, वहाँ पर आप सिटी फॉरेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। जो आप जो पेड़ लगा रहे हैं वह डिजाइनदार सुंदर पेड़ नहीं, वह पेड़ लगाए कि ऑक्सीजन का जो बहुत अधिक जरूरत है। सरकार इसमें ध्यान देगी, कॉरपोरेट ध्यान देगी, जनप्रतिनिधि भी इसमें ध्यान देंगे, और सबसे अधिक जो ध्यान देने की बात है वह जनता जरूर इस विषय में ध्यान दे कि आप अपनी शहर को सुरक्षित कीजिए और आने वाले जनरेशन के लिए आप जवाबदेही बनिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।